हेलो बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम यूनिट मेजरमेंट एंड एरर फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने आप लोगों की चला दी है एनसीईआरटी सीरीज। आज एनसीईआरटी सीरीज का आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर आएगा बेटा। वहीं जहां आप लोगों के लेक्चर्स आते हैं वहाँ एक फोल्डर आएगा एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से, और उसी फोल्डर में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियोस मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन मैंने नहीं रखी है क्योंकि आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैक्सिमम 15-20 मिनट मैंने रखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में 3, 4 या 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन हमने आपके ऊपर डाला नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के फ़ायदे क्या होने वाले हैं मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये समझ लीजिए कि ये आप लोगों के लिए पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है बेटा। क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का रास्ता जाता है और आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का रास्ता जाता है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कैपेबल हो जाओगे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने को लेकर, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस की आप एक अलग कॉपी बनाएं और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर 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 करें बेटा, ठीक है। चलिए, बाकी आज से हमें स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर। देखो, वैसे तो हमारे अगर हम अपने सिलेबस के अंदर देखें तो ये जो चैप्टर जस्ट हमने फिनिश किया है ये है चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। और जो चैप्टर नंबर 3 हमारा आता है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्कूलों के अंदर पढ़ाया भी वही जाता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम तो खाली स्कूल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर हमारे रास्ते में चाहे स्कूल एग्ज़ाम आए, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम आए, चाहे मेंस का एग्ज़ाम आए, एडवांस आए, नीट आए, केवीपीवाई आए, ओलंपियाड आए, हम हर एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है हमारे कंसेप्ट्स का, हमारे फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग होना बेटा। तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, यहाँ से आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग यहाँ से आप ये समझिए कि आप लोगों का यहाँ से 75% सिलेबस जो है, यहाँ से जो 75% आगे का सिलेबस है उसे एक प्यारे से नाम से पुकारा गया है, और उसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है मैकेनिक्स, ठीक है। उसका नाम मैकेनिक्स है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मैकेनिक्स, जैसे कोई मैकेनिक होता है तो मैकेनिक खाली अपने दिमाग से मैकेनिक थोड़ी हो जाएगा भाई। अब उसे अपने मैकेनिक गिरी दिखाने के लिए बहुत सारे वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वो किसी काम को सही तरीके से कर पाएगा। तो अगर आप लोगों को भी फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स को सॉल्व करना है तो आप लोगों को भी कुछ वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो वेपन्स क्या हैं, वही चैप्टर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और आप ये समझिए कि इस चैप्टर के बिना फिजिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल फिजिक्स की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो है आप लोगों का वेक्टर। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना पड़ता है ना, बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए कि फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेक्टर का टर्म एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। वेक्टर की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत लगन के साथ इस चैप्टर को पढ़ें, बहुत फोकस के साथ इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और देखिए स्टूडेंट, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है वेक्टर, ठीक है बेटा। हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर, ओके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट, देखो बेटा, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि उन फिजिक्स में पढ़ी जाने वाली क्वांटिटीज़ को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। चाहे हम लेंथ पढ़ें, चाहे हम मास पढ़ें, वेलोसिटी पढ़ें, एक्सीलरेशन पढ़ें, फोर्स पढ़ें, एनर्जी पढ़ें, चार्ज पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चार्ज
फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटी पढ़ी जाती है उन सब क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटी बेटा। तो वेक्टर वाले चैप्टर को बेस मानकर मैंने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। हमने फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ से डिवाइड कर दिया है बेटा दो पार्ट में। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, एक को हम बोलते हैं स्केलर्स, वैसे तो तीसरा और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर, लेकिन मैं अभी इसकी बात नहीं करूँगा, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, इसकी बात हम आगे जाकर करेंगे क्योंकि यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया है। एक कहलाता है वेक्टर और एक कहलाता है स्केलर। मेन तो दो ही है हमारे पास में, तीसरा तो थोड़ा सा एडिशनली है जिसे हमने नाम दिया है टेंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी है कौन कौन सी। देखो, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर वैल्यू का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं, वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी कंसिस्ट वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू भी रखती हैं उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं बेटा। और दूसरा आता है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी नाम से ही थोड़ा आभास हम लोगों को हो रहा है कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो हैं स्टूडेंट जो डायरेक्शन नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखती हैं। दोज क्वांटिटी विच कंसिस्ट वैल्यू ओनली नॉट अ डायरेक्शन। ठीक है, वो क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को रखती हैं, यानी एक नंबर को कंसिस्ट करती हैं, डायरेक्शन उनके पास में नहीं होती हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये है मेरे पास में नॉर्थ, ये है मेरे पास में साउथ, ये है मेरे पास में वेस्ट और ये है मेरे पास में ईस्ट। मैंने कहा कि मैं ईस्ट की डायरेक्शन में चलता हूँ 5 मीटर, मैं ईस्ट की डायरेक्शन में चलता हूँ 5 मीटर। तो देखो मेरे पास में डायरेक्शन भी है, क्या डायरेक्शन है, मैं ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट की डायरेक्शन में, ये तो हो गई डायरेक्शन, और कितना जा रहा हूँ 5 मीटर, तो ये तो हो गई वैल्यू, ये जो 5 मीटर है बेटा ये तो हो गई वैल्यू, और डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए हम इसे काहे का नाम देंगे, हम इसे वेक्टर का नाम देंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अगर यही एग्जाम्पल हम यहाँ अप्लाई करें बेटा, बिल्कुल यही एग्जाम्पल हम यहाँ अप्लाई करें, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है वेस्ट और यह है ईस्ट। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ से चलता हूँ 5 मीटर, में यहाँ जाता हूँ, फिर 5 मीटर में ऊपर जाता हूँ, फिर 5 मीटर में ऐसे जाता हूँ। तो देखो ध्यान से, पहले गया मैं ईस्ट की डायरेक्शन में, फिर मैंने 90 डिग्री से टर्न लेकर मैं ऊपर की तरफ मुड़ गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, फिर यहाँ 90 डिग्री का टर्न लेकर मैं मुड़ गया वेस्ट की डायरेक्शन में। यानी मैंने अपनी जर्नी में 3 डायरेक्शन कंसिस्ट की। कैसे, पहले मैं ईस्ट की डायरेक्शन में गया, फिर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में गया, फिर मैं वेस्ट की डायरेक्शन में गया। कोई एक डायरेक्शन तो नहीं है, कितनी डायरेक्शन है, 3। तो इसीलिए हम कोई भी एक डायरेक्शन यहाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग 3 डायरेक्शन है बेटा हमारे पास में। समझ में आ रही बात, यानी कोई यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, वैल्यू कितनी है, पहले हम चले 5 मीटर, फिर हम चले 5 मीटर, फिर हम चले 5 मीटर, यानी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है 15 मीटर की, वैल्यू है 15 मीटर। क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये कहलाएगा स्केलर। और यहाँ पर हम ईस्ट की डायरेक्शन में गए, सिर्फ एक डायरेक्शन में, और कितना गए, 5 मीटर। हम ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर गए,
तो यहाँ हमारे पास में एक ही तो डायरेक्शन है और वैल्यू है 5 मीटर, इसीलिए ये कहलाएगा वेक्टर और ये कहलाएगा स्केलर। होप्स हो कि आप लोगों को बेटा बात समझ में आ गई हो। भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये है हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम है वेक्टर, क्योंकि हम ज़्यादातर इसके अंदर वेक्टर ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का आप लोगों को। बेसिक क्या है? फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, वो सारी की सारी हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में। नंबर वन है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। बेटा नंबर वन है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हैं स्टूडेंट? नंबर वन है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नंबर टू है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी, और नंबर थ्री है हमारे पास में टेंसर क्वांटिटी। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसे बाद में करेंगे, होल्ड पे रख लीजिए। अभी बात करेंगे हम इन दोनों की। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट हेडिंग है बेटा आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग। हेडिंग है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। बोलें, लिखिए दोज क्वांटिटी विच कंसिस्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। दोज क्वांटिटीज विच कंसिस्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एट्सेट्रा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन इतनी सारी कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए 2-3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, इसमें डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती है। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी। लिखे those quantity which consist magnitude only, magnitude only, ब्रैकेट में लिख देना नॉट डायरेक्शन। ब्रैकेट में आप लिखेंगे नॉट डायरेक्शन। दोज क्वांटिटीज विच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है वैल्यू ओनली। ठीक है, नॉट डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा ये हमारी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि चार्ज, ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि एनर्जी। बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए 2-3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, ये है सब हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी। ओके, उम्मीद है कि इतनी बात तो समझ आनी चाहिए, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे बेटा टेंसर क्वांटिटी।
ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी पेचीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा एग्जाम्पल के साथ ही आपको इसे समझाऊँ। तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, और एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, आप इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखनी है इसके अंदर, मैं बाद में खुद ब खुद अपने आप लिखवाऊंगा जहां भी इसकी बारी आएगी। सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए और एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि इतनी बात, इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम है वेक्टर, और वेक्टर में सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो क्वांटिटी पढ़ी जाती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट्स में। वेक्टर, जिनके अंदर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो कहलाती हैं वेक्टर। जिनके अंदर सिर्फ वैल्यू वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो कहलाती है स्केलर। समझ आ रही बात? टेंसर क्वांटिटी में वैल्यू तो होती है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाई है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। यह है टेंसर क्वांटिटी और उसका एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ना तो हमें स्केलर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में ना तो हमें स्केलर के बारे में पढ़ना है और ना हमें टेंसर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यानी ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करना है बेटा। तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेटा सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो है सिंबल ऑफ वेक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप दोनों लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, पहला है सिंबल ऑफ वेक्टर और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये जो पीछे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं टेल, ये हमारा टेल कहलाता है बेटा। और ये जो आगे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं हेड। ये पीछे वाला पॉइंट कहलाएगा टेल, आगे वाला पॉइंट कहलाएगा हेड। समझ आ रही बात? अच्छा, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। तो देखो, वेक्टर में डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर में डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये जो एरो का साइन है ना बेटा, एरो का साइन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एरो का साइन किससे किसकी तरफ है? एरो का साइन ए से बी की तरफ है। तो डायरेक्शन लिखने का तरीका है, पहले लिखेंगे आप ए बी, एरो का साइन ए से बी की तरफ है, और यहां लिख देंगे हम एरो का साइन ए से बी। समझ आ रही बात? एरो का साइन ए से बी की तरफ है, तो हम यहां लिख देंगे ए बी, और ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन बना देंगे। ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें लिखना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले आप समझिए कि मैग्नीट्यूड होता क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड होता क्या है। देखो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या है, टेल से लेकर हेड तक की जो लंबाई होती है, टेल से लेकर हेड के बीच की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, इस लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये लेंथ हमारी मैग्नीट्यूड कहलाती है। एरो का साइन डायरेक्शन को दिखाएगा और ये लंबाई मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है, ये तो हो गई डायरेक्शन, हो गई ना डायरेक्शन। अगर मैं इसके दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ, ऐसे मॉड, अगर मैंने इसके दोनों तरफ कुछ इस तरीके से मॉड लगा दिया है ना बेटा, तो मॉड लगाने के बाद ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या बन जाएगा? मॉड लगाने के बाद ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और अगर मॉड नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो किसी भी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये पीछे वाला पॉइंट कहलाएगा टेल, आगे वाला पॉइंट कहलाएगा हेड, एरो का साइन दिखाएगा डायरेक्शन को, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी ये दिखाएगी मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन लिखने का तरीका है, देखो एरो का साइन ए से बी की तरफ है तो ए बी लिखकर उस पर वेक्टर का साइन बना दिया हमने, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई अगर लिखनी है आपको, अगर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई लिखनी है तो इस डायरेक्शन को मोड में बंद कर दो, तो ये बन गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड। ये जो दो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये मोड कहलाती हैं बेटा, ये मोड कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग मोड बोलते हैं, मोड कि भाई मोड में बंद है ये, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसके ऊपर बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल ये है, मैंने एक वेक्टर बनाया ये, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से एक वेक्टर यहां फॉर्म किया बेटा। देखो ध्यान से, ये बना दिया वेक्टर हमने, बना दिया वेक्टर। अच्छा, इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक। तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? देखो एरो का साइन पी से क्यू की तरफ है तो हमने यहाँ लिखा पी क्यू और इसके ऊपर लगा दिया एरो का साइन, ये तो हो गई डायरेक्शन, हो गई डायरेक्शन। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है, टेल से लेकर हेड तक की जो लेंथ होती है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है कि ये जो पी क्यू है इसे मोड में आप बंद कर देंगे, मोड में काहे में बंद कर देंगे, हमने इसे मोड में बंद कर दिया तो ये हो गई डायरेक्शन और ये हो गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात कि किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ तो हमने बताया है बेटा वेक्टर के बेसिक्स के बारे में आप लोगों को, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन तो नहीं लिखवाई आप लोगों को, सिर्फ ऐसे ही बताया है हमने, ओके। और ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यहाँ हमने किया है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात कि वेक्टर कैसा होता है, एरो का साइन डायरेक्शन को दिखाता है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैग्नीट्यूड को शो करती है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे। भाई नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। और वेक्टर के टाइप में जो सबसे नंबर वन वेक्टर है इसका नाम है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किन्हें कहते हैं हम ये जानेंगे बेटा। जो सबसे नंबर वन टाइप है हमारे पास में वो है इक्वल वेक्टर। आइए जानते हैं कि इक्वल वेक्टर होता क्या है। देखो बच्चों, भाई मेरे पास में एक वेक्टर तो हो गया है ये, ठीक है, और मेरे पास में एक वेक्टर हो गया है ये। देखो स्टूडेंट, दो वेक्टर हैं बेटा मेरे पास में, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ग्रीन वाला है और एक येलो वाला है। मैंने ग्रीन वाले को नाम दिया है ए बी और येलो वाले को मैंने नाम दिया है पी क्यू। समझ आ रही बात? तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, ग्रीन वाले की डायरेक्शन ए से बी यानी इस तरफ है डायरेक्शन, है ना, इस तरफ डायरेक्शन। ये जो ऊपर वाला वैक्टर है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और जो नीचे वाला वैक्टर है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
ए बी वैक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वैक्टर, और ये बराबर होने का मतलब यह है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये दिखाता है ऊपर वाले की डायरेक्शन को और ये दिखाता है नीचे वाले की डायरेक्शन को। और अगर मैंने दोनों को बराबर लिखा तो इसका मतलब यह है कि दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा वो दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके चलो, अच्छा इसके साथ साथ आप ये देखो बेटा, डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ दोनों की लंबाई भी सेम है, जितनी लेंथ इसकी है बिल्कुल उतनी ही लेंथ इसकी है। सो हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, हमने ये लिखा स्टूडेंट, यानी डायरेक्शन तो सेम है ही, डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ हम कह सकते हैं सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, समझ में आ रही बात। और यहाँ हम कह सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड, तो डेफिनेशन हमारे पास में बन गई स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनकी लंबाई भी सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनकी लंबाई भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर, ये हमारे इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो बेटा ये वेक्टर का पहला टाइप है हमारा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं बेटा हम सेकेंड टाइप पर, सेकेंड टाइप के वेक्टर का नाम है नेगेटिव वेक्टर। देखिए जो सेकेंड टाइप का वेक्टर है हमारा उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। क्या कहता है नेगेटिव वेक्टर जरा समझिएगा, नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है जरा समझिएगा बेटा, देखो बच्चों एक वेक्टर तो है हमारे पास में ये और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में ये, बेटा दो वेक्टर हैं हमारे पास में, एक वेक्टर हमारे पास में ऊपर वाला है एक वेक्टर नीचे वाला है। ऊपर वाले वेक्टर को हमने नाम दिया पी क्यू वेक्टर, ठीक है, और नीचे वाले वेक्टर को हमने नाम दिया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या दिख रहा है भाई आपको दोनों वेक्टर में, आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों वेक्टर में आपको दिख क्या रहा है। तो आप कहोगे कि सर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो ऊपर वाला वेक्टर है वो इधर जा रहा है और जो नीचे वाला वेक्टर है वो इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं बेटा, कौन से साइन का यूज करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं। सो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू माइनस डायरेक्शन ऑफ ए बी। देखो P से Q की तरफ, A से B की तरफ, A से B की तरफ, समझ में आ रही बात। कभी समझो कि ये एरो इधर है तो ये एरो भी इधर हो जाएगा, A से B की तरफ है एरो, A से B की तरफ बना दिया मैंने, समझ आ रही बात। और ये जो माइनस साइन है ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आगे से ध्यान रखेगा जहां भी वेक्टर में माइनस आ जाएगा वो माइनस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। बेटा क्लियर हो गई बात। अच्छा एक कमाल की बात यह है कि दोनों की लंबाई अभी भी सेम है, भले ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन लंबाई दोनों की अभी भी सेम है, यानी लेंथ ऑफ पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर। जो पी क्यू वैक्टर की लंबाई होगी वो ए बी वैक्टर की लंबाई के बराबर रहेगी स्टूडेंट, जो पी क्यू वैक्टर की लंबाई होगी वो ए बी वैक्टर की लंबाई के बराबर रहेगी, यानी लेंथ तो रहेगी सेम बस डायरेक्शन रहेगी अपोजिट। ऐसे वैक्टर को हम नाम देंगे नेगेटिव वैक्टर। इन सभी टाइप्स को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है और खूब प्रैक्टिस करनी है बेटा, जब प्रैक्टिस करोगे तो तभी कंसेप्ट क्लियर होकर आएगा बाहर। ये हो गया है इक्वल वैक्टर और ये हो गया है नेगेटिव वैक्टर, जल्दी से करिए नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट चलिए
तो अभी हम लोग बात करते हैं नंबर तीन की बेटा, और नंबर तीन है हमारे पास में ध्यान से पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देखो नंबर थ्री है हमारे पास में पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या बताता है भाई, एक वेक्टर तो हो गया हमारे पास में ये, और दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास में ये, दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास में ये। अब आप देखो स्टूडेंट, मैंने ऊपर वाले वेक्टर को नाम दिया ए और बी, और नीचे वाले वेक्टर को मैंने नाम दिया पी और क्यू। क्या कहोगे आप देखकर, क्या कहोगे आप देखकर? आप ये कहोगे कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो भाई डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, दोनों इस तरफ है, बताओ है या नहीं है? बिल्कुल सेम है, दोनों इसी तरफ है, क्लियर हो रही बात। लेकिन इस वाइट वाले की लंबाई ज़्यादा है और इस ग्रीन वाले की लंबाई कम है, यानी हम ये कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बी वैक्टर इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ पी क्यू वैक्टर। दोनों की लंबाई सेम नहीं है, यहाँ पर यहाँ लंबाई सेम नहीं है बेटा। बाकी यह है कि पैरेलल वेक्टर के लिए मॉड का बराबर होना, बड़ा होना, छोटा होना मैटर नहीं करता। पैरेलल वेक्टर हम उन्हें कहेंगे जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, चाहे लंबाई दोनों की बराबर हो या लंबाई बड़ी छोटी हो या छोटी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है उन्हें हम लोग नाम देते हैं पैरेलल वेक्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात, बहुत आसान सी बातें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को समस्या आएगी। चौथे नंबर पर हमारे सामने आता है बेटा, हम इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। चौथे नंबर पर हमारे सामने आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे मैंने यहां क्या कहा आप लोगों से, मैंने यहां कहा कि भाई डायरेक्शन होनी चाहिए सेम, लेंथ या मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, लंबाई बराबर है, लंबाई कम ज़्यादा है या लंबाई कुछ और है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे पैरेलल वेक्टर। सिमिलरली बिल्कुल यही बात हम यहाँ पहुंचकर कहते हैं बेटा कि जब दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के होती है अपोजिट, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसी होती है अपोजिट, दो वेक्टर की डायरेक्शन जब एक दूसरे के अपोजिट होगी, चाहे लंबाई बराबर हो, लंबाई बड़ी छोटी हो या लंबाई कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा बेटा ए, ये पॉइंट कहलाएगा ए, ये पॉइंट कहलाएगा बी, ये कहलाएगा पी और ये कहलाएगा क्यू। देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है, हम ये कह सकते हैं ए बी वैक्टर इज द माइनस टाइम्स ऑफ के पी क्यू वैक्टर। दिख रहा है बेटा, ये जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ना, माइनस का साइन, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। भले ही इन दोनों की लंबाई सेम हो, इन दोनों की लंबाई डिफरेंट हो या कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बेटा फोर टाइप्स, कितने टाइप्स, फोर टाइप्स। नंबर वन इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम लंबाई भी सेम। नंबर टू नेगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट लंबाई सेम, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर। एक हमने पढ़ा बेटा पैरेलल और एक हमने पढ़ा एंटी पैरेलल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए स्टूडेंट, नंबर फाइव पर हमारे सामने आता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। नंबर फाइव पर हमारे सामने आता है को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है को इनिशियल वेक्टर? जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है बेटा, देखो एक वेक्टर मान लो ये है हमारे पास में,
एक वेक्टर मान लो यह है हमारे पास में, और एक वेक्टर मान लीजिए कि यह है हमारे पास में, और अब आप देखो कि तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है ए। इस पिंक वाले वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ए है, ग्रीन वाले का भी ए है, येलो वाले का भी ए है। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं को इनिशियल वेक्टर। इस वेक्टर का नाम हो गया है ए बी वेक्टर, इसका नाम हो गया है ए सी वेक्टर, और इसका नाम हो गया है ए डी वेक्टर। समझ आ रही बात? तो इसे हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट, इसे हम नाम देंगे बेटा इनिशियल पॉइंट। इनकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चंस में आपको परेशानी ना आए। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है बेटा। इनिशियल पॉइंट सेम है यहाँ पर तीनों वेक्टर के लिए, इसी वेक्टर को हम नाम देंगे को इनिशियल वेक्टर। ये हमारा को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं सिक्स नंबर पर हम लोग। इसे हम लोग बोलते हैं को टर्मिनेशन वेक्टर, को टर्मिनेशन वेक्टर। देखो बेटा क्या होता है को टर्मिनेशन वेक्टर, ध्यान से। को टर्मिनेशन वेक्टर है क्या भाई? ये वेक्टर तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, और देखो ये वेक्टर एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो रहे हैं, यानी इन वेक्टर का फाइनल पॉइंट सेम है। इन वेक्टर का तो इनिशियल पॉइंट सेम था, और इन वेक्टर का फाइनल पॉइंट सेम है। माना कि यह है एक, हम लोगों ने माना कि यह है ए, यह है बी, और यह है सी, और ये जो पॉइंट हमें दे रखा है यह है डी। तो इस वेक्टर का नाम होगा हमारा ए डी वेक्टर। क्या नाम होगा? इस वेक्टर का नाम होगा ए डी वेक्टर। इस वेक्टर का नाम होगा भाई हमारा बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर। और इस वेक्टर का नाम होगा हमारा सी डी वेक्टर। हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट वो होगा सेम, फाइनल पॉइंट सेम होगा। सो ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे बेटा को टर्मिनेशन वेक्टर। ये वेक्टर हमारे को टर्मिनेशन वेक्टर कहलाएंगे। तो अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सिक्स टाइप्स, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखने हैं याद। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बेटा हम लोग आगे, और देखो सेवेंथ नंबर कौन सा आता है हमारे पास में। इसे हम लोग बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। सेवेंथ नंबर में जो वेक्टर हमारे सामने आता है इसे हम बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक है, देखो बेटा हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये हमारे पास में एक प्लेन है, हमने ये लेट कर दिया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर लाई करेंगे, मान लो एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, और एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर आएंगे उन सारे के सारे वेक्टर्स को हम नाम देंगे बेटा को प्लेनर वेक्टर। ये हमारे को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन समझते हैं ना, ये जो मेरा हाथ है ये पूरा प्लेन है बेटा, प्लेन। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन सभी वेक्टर को हम नाम देंगे को प्लेनर वेक्टर। तो बेटा ये हमने लेट कर दिया प्लेन, और देखो सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। दोज वेक्टर विच लाई इन अ सिंगल प्लेन कॉल्ड को प्लेनर वैक्टर। और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज और आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि जो वेक्टर एक ही प्लेन में आएंगे वो हमारे को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद एट्थ नंबर पर हमारे पास में आता है बेटा को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है को लीनियर वेक्टर का। बेटा हम लोग जानेंगे कि भैया कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इसे समझना है बेटा। अब देखते हैं कि क्या है कोलिनियर वेक्टर। हम कहेंगे कि भाई जो वेक्टर एक ही लाइन में लाई करेंगे, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए इन दोनों वेक्टर को हम नाम देंगे कोलिनियर वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों वेक्टर भी एक ही लाइन में आ रहे हैं, इन्हें हम नाम देंगे कोलिनियर वेक्टर, भले ही दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तब भी ये कोलिनियर वेक्टर है, और अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तब भी ये कोलिनियर वेक्टर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ इसके बारे में आप लोगों को बताया। जब अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, कोलिनियर वेक्टर को मैं बहुत डिटेल्ड में जाकर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग से अपने कंसेप्ट्स पर जो हमने आज की क्लास में आपको सिखाया है। तो बेटा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है वेक्टर्स। फिर हमने आपको बताया कि भाई फिजिक्स में जो क्वांटिटी पढ़ी जाती है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। हमने उसे डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट में। नंबर वन वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं। नंबर टू स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्केलर। अब हमें स्केलर की तो बात करनी है नहीं, हमें बात करनी है सिर्फ वेक्टर की, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ गया है वेक्टर। समझ आ रही बेटा बात? अब सबसे पहले जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है, क्या होता है वेक्टर। देखो बेटा, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ये पीछे वाली चीज़ कहलाती है टेल, आगे वाला कहलाता है हेड, एरो का साइन डायरेक्शन को दिखाता है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैग्नीट्यूड को शो करती है। डायरेक्शन को ऐसे लिखेंगे और मैग्नीट्यूड यानी लंबाई को ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने ये वेक्टर आपके सामने बनाया, एरो का साइन है पी से क्यू की तरफ, तो डायरेक्शन को लिख दिया हमने ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कहलाएगी मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। सबसे पहला टाइप इक्वल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों सेम है, यानी डायरेक्शन भी सेम है और लंबाई भी सेम है, उसे हमने नाम दिया इक्वल वेक्टर। दूसरे नंबर पर है नेगेटिव वेक्टर, यहाँ डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन लंबाई यहाँ भी सेम है, ऐसे वेक्टर को हमने नाम दिया है नेगेटिव वेक्टर, और ये माइनस का साइन नेगेटिव डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है या अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये है बेटा हमारे पास में पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर की सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लंबाई या मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। यह है एंटी पैरेलल वेक्टर, इसकी भी सिर्फ एक शर्त है कि डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसके बाद जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो को इनिशियल, और जो एक पॉइंट पर ख़त्म होते हैं वो को टर्मिनेशन। समझ आ रही बेटा बात? अच्छा, जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे मैंने ये प्लेन आपके सामने बना दिया, ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका नाम है कोप्लेनर, और जो एक ही लाइन में लाई करते हैं वो है कोलिनियर। अब कल की क्लास में हम इसे बढ़िया करके डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का काम ये है स्टूडेंट, कि न्यू चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़कर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमने आपकी नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसे हमने नाम दिया है NCERT सीरीज, उसका मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो, हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया करके आप लोगों का प्रिपेयर हो, तभी मज़ा आने वाला है बेटा पढ़ने में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।